हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास एक डेल का बोर्ड आया है, जो इसका देख रहे हो। तो इसका अभी पार्ट नंबर देखो, पार्ट नंबर इसका EDI 72LA-G714P Revision 1.0। ठीक है, तो एक कस्टमर ने मेरे पास दिया है नॉट चार्जिंग नो पावर। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट था, इधर देखो शॉर्ट था, मैंने दो कैपेसिटर चेंज किया था, इधर देखो एक और इधर एक, दो एक कैपेसिटर मैंने चेंज किया था, तो ये शॉर्ट हो चुका था। ठीक है, तो शॉर्ट होने के बाद ये चालू हो गया, तो अभी अब प्रॉब्लम हो चुका है। जब इसको पावर देता हूँ तो इसका चार्जिंग ऐसे हीट होता है। देखो मैं इसमें लगाने से पावर लगाया और इसमें देखो ऐसा एम्पियर ले रही है। तो इसमें देखो मैं क्या किया, इसमें मैंने चार्जिंग का जो पावर था, चार्जिंग वोल्टेज का, देखो ये देखो एक जम्परिंग किया है, जो इसका एक फ्यूज टाइप का रजिस्टर था, ये हीट हो रही है अभी। तो इसको अभी चेंज करेंगे, चार्जिंग आईसी को चेंज करके देखेंगे इसके बाद इसका हालत क्या होता है। ठीक है, तो अभी इसको चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद दिखाऊंगा इसका फिलहाल क्या होता है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, अभी चेंज करते हैं इसका आईसी के ऊपर, थोड़ा सा पेज डालना है। मेरे पास इसका आईसी है, तो सोचा पहले इसका आईसी बदल के देखूं, नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम है, आईसी में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो फिलहाल चलता था, अभी इसका आईसी में गड़बड़ हो गया, इसलिए हीट हो रही है, तो चलना बंद हो चुका है। तो सोचा चार्जिंग टेस्ट करूंगा, तो उसके पहले ये ख़राब हो चुका है, तो सोचा एक वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर। आईसी को हटाया, इसका भी क्लीन कर लेंगे। इसको क्लीन करना जरूरी है, नहीं तो जो इसका जो सोल्डरिंग है, तो इसका इसको क्लीन करके नया सोल्डरिंग लगाना है, तो इसका अच्छे से बैठेगा और लगेगा भी। तो देखो मैंने इसका क्लीन अभी किया था, अच्छे से क्लीन हो चुका है। थोड़ा सा क्या करो, इसके ऊपर थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, पूरा क्लीन हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पीपीटी पेज देना है, पीपीटी पेज देके इसको थोड़ा सा सोल्डर करना है। तो अभी इसे थोड़ा इतना सा नहीं लगाना है, थोड़ा सा क्लीन कर लिया। अभी इसमें देखो ये अभी हो गया। तो होने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसको भी क्लीन करना है। देखो क्लीन हो चुका है, तो मेरा आईसी इसमें लगाऊंगा, मैं दिखाऊंगा इसका आईसी। मेरे पास इसका ऑलरेडी स्टॉक में है आईसी, मैंने खरीद के रखा था।
टाइम आईसी खरीद के रखना चाहिए, कब कौन सा ज़रूरत हो जाए। इधर रखा, थोड़ा सा बोर्ड को साइड हटा दो, आईसी को थोड़ा पास ले आओ और इसमें भी थोड़ा सा। इसको भी सोल्डर करना है। ठीक से इसको भी सोल्डर करना है, नहीं तो ठीक से लगेगा नहीं, तब इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके ऐसे सोल्डर करने से क्या होगा, ठीक से बैठेगा और तुरंत इसका काम भी चल जाएगा। चलो देख लेते हैं, इसका अभी हो चुका है। अभी क्या, इसका बोर्ड में जाता हूँ और देखो इसमें मैं दिखाता हूँ बैठा के। ये देखो जिस दिख इसका, इधर इसके सोजा लगाना है। अब इसे इधर बैठा देंगे, ऐसे बैठा देंगे तो इसका बैठ जाएगा। इधर थोड़ा सा पेस्ट डालना है, ठीक से बैठाना है नहीं तो काम नहीं चलेगा। देखो इसे बैठा दे इसमें। अभी क्या करना है, इसको क्लीन कर लेना है, दोनों साइड में थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा क्लीन करके लगाना है तो फिलहाल सक्सेस हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा अभी, इसमें थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। देखो ऐसे क्लीन कर लेना चाहिए और ठीक से सोल्डर कर देना चाहिए, तो इसमें क्या होगा हो जाएगा। देखो हो गया, अभी क्या इसको चालू करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार क्लीन कर लेता हूँ तो अच्छा हो जाएगा। तो क्लीन हो चुका है, अभी क्या देखना है, इसको लाइन लगा के इसका फील और कंडीशन क्या है। इसका बोर्ड तो अभी पूरा चालू हो चुका है, देखो बोर्ड चालू हो चुका है। इसमें इधर देखो लाइट भी जल चुका है अभी, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसका जो बैटरी है, बैटरी लगाने के बाद क्या होता है थोड़ा देख लेता हूँ। बैटरी लगाने पर भी
ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है, वो तो सही है ऑन हुआ, बट ई वी इसका चार्ज ले रही है क्या नहीं ले रही उसको भी देखना है, ठीक है। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ, यह भी ऑफ हो चुका है, अभी चालू हो चुका है। मैं इसको हटा के इसका जो चार्जिंग का है वो लगा देता हूँ, देखो इसके बाद ये भी अभी चालू हो चुका है, बट इसका चार्ज हो रही है क्या नहीं वो पता नहीं, उसको देखना है मुझे, उसको अभी चेक करना है। मुझे लगता है अभी चार्ज ले रही है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर से इसका पूरा फंडा। तो पहला इधर जो हमारा 11 वोल्टेज शो कर रही है, इसका तीसरे में 11 वोल्टेज, चौथा पिन में 3 वोल्टेज, इसका भी 3 वोल्टेज, ये भी कोई वोल्टेज नहीं, इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं, इधर ग्राउंड है। तो अभी क्या करना है हमको, इसको चल रही है तो मुझे एक बात इसका इसका बोर्ड में लगा के चेक करना है, इसका चार्ज हो रहा है कि नहीं मुझे भी पता नहीं, तो चेक कर लेता हूँ वो भी। इसमें इसका नो पावर हो गया था तो ठीक कर दिया, अभी क्या ये चार्ज हो रही है वो देखना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, इसको सेटिंग करके मैं दोबारा इसका चालू करता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो इसको सेट कर लिया पूरा, करने के बाद देखो इसमें मैंने चार्जिंग लगाया तो इसमें चार्जिंग लाइट ग्लो कर रही है, ठीक है देखो। तो अभी इसका चार्ज लेना शुरू कर दिया, देखो अभी इसको एक बार हटा देता हूँ, देखो ऑफ हो गया, अभी इसको लगा दूंगा तो चालू हो गया चार्ज। तो एक बार ऑन करके अभी दिखा देता हूँ, इसका चार्ज आ रही है, ठीक है वो चालू होगा, थोड़ा सा टाइम दो। डेल लिखा आ चुका है, तो इसमें फिलहाल चार्जिंग का प्रॉब्लम था, तो इसमें मैं हार्ड डिस्क बात के इसका हिरन ऑन किया तो इसे पूरा पता चल जाएगा। इसका जो विंडोज़ है उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं नहीं दिखा सकता, उसको ऑन होने दो। देखो इसका विंडोज अभी ऑन हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूँ इसका चार्ज, इधर देखो 7% चार्ज दिखा रहा है, देखो 7% चार्ज और प्लग इन दिखा रहा है, इसमें चार्ज ले रहा है, ठीक है चार्ज ले रही है। तो हमारा इसका जो प्रॉब्लम था इसका आईसी ख़राब हो गया था, तो मैं इसको चेंज करके दिखा दिया, और इसमें और भी बहुत प्रॉब्लम था, मैंने पहले इसका ठीक कर दिया, तो मैंने सोचा इसका भी चार्जिंग आईसी चेंज करूँगा तो इसका प्रॉब्लम था। कस्टमर ने मुझे दिया था नॉट चार्जिंग नो पावर बोल के, मैं ठीक है देख लूँगा, तो मैंने इसका पहले शॉर्ट था ठीक कर दिया, तो सोचे बाद में इसका प्रॉब्लम नॉट चार्जिंग था, तो पहले ऑन ही ऑन हुआ था शॉर्ट ठीक करने के बाद, तो उसके बाद में इसका आईसी शॉर्ट हो गया था, इसके लिए हीट हो रहा था 130 तक इसका पिक ले एम्पियर पिक ले रहा था, तो सोचा ठीक है
उसको छोड़ दो। मैं इसका आईसी मेरे पास स्टॉक में था तो मैं इसको पूरा लगा दिया, लगा के चालू कर दिया। अभी देखो ये चार्ज ले रही है, अभी चार्ज भी सक्सेसफुली इसका हो चुका है, अभी हो रही है। तो वीडियो इसमें दिखाना था जो काम कर रहे हो तो उसको सोच समझ के करो। मैं पहले इसका पूरा डायग्नोस्टिक कर लिया था क्यों ना इसका, देखो मैंने इसके स्कीमेटिक खोल के रखा था, मैंने देख रहा था कहाँ प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं पूरा पहले डायग्नोस्टिक कर लिया, उसके बाद इसका वीडियो बनाया, ठीक है। तो यही वीडियो बनाने का मकसद यही है, आपको कुछ सिखा सकता हूँ और मैं भी कुछ सीख सकती हूँ। और इसमें आप लोग बहुत कमेंट करते हो, बहुत कुछ करते हो। इसके बाद एक बंदे ने कमेंट किया था तो थोड़ा सा चार्जिंग आईसी चेंज करने का और चार्जिंग आईसी लगाने का थोड़ा सा वीडियो बना दो, मैं बोला ठीक है तो उसको बना दिया। और इसमें नॉट चार्जिंग का इशू था, एस डेल का ये 7th जनरेशन का लैपटॉप था इसीलिए दिखाया। और इसमें ऐसे प्रॉब्लम बहुत कुछ आता है, बैटरी नोट डिटेक्शन प्रॉब्लम बहुत कुछ, तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। इसमें चार्जिंग ऐसी ख़राब था इसलिए इसका इधर का कट चुका था, मैंने ठीक कर दिया। अभी ये अभी बिंदास चलेगा और चलता रहेगा। तो वीडियो इतना तक दिखाना था, और वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। बाय बाय।